हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। आज हम बच्चों पढ़ेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा इस क्वेश्चन में साइन अल्फा दे रखा है 3/5, आपको बेटा कॉस 2 अल्फा और बच्चों साइन 2 अल्फा निकालना है। सबसे पहले हम कॉस 2 अल्फा निकाल, कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है ये रहा 1 - 2 sin² अल्फा। बस इसमें हम वैल्यू डालेंगे, ये देखिए 1 - 2 sin α की वैल्यू 3/5 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। ठीक, ये बेटा 1, ये -2, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ये 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 18/25। अब बेटा 25 हम एलसीएम निकाल लेते हैं, सिंपल तरीके से सॉल्व कर देते हैं। 25 का 1 में मल्टीप्लाई 25, ये माइनस साइन, 1 का 18 में मल्टीप्लाई 18, घटाइए 7/25 क्या है बेटा, कॉस 2 अल्फा का मान है। अब बच्चों हम साइन 2 अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। बेटा साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 sin α cos α, ये होता है। ठीक है, अब आप ध्यान देना, हमें यहाँ साइन अल्फा की वैल्यू रखने के लिए है, लेकिन कॉस अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालें? तो बच्चों ये फॉर्मूला हमारी मदद करेगा। ये क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 - sin² अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, 3/5, यहां रख दो, ये 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब बेटा एलसीएम निकालेंगे, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 25 का 1 में मल्टीप्लाई 25, बीच में माइनस, 1 में 9 का मल्टीप्लाई 9, ये कितना हुआ, माइनस करोगे 16/25। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 16/25, बच्चों आप इसे 4/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, क्या आया बेटा, कॉस अल्फा आया 4/5। अब इसकी वैल्यू बेटा हम यहां रखते हैं, ये 2, साइन अल्फा की वैल्यू 3/5, कॉस अल्फा की वैल्यू बेटा 4/5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 5 × 5 = 25। इस तरह से बेटा साइन 2 अल्फा का मान आया 24/25। अगले क्वेश्चन में आपको कॉस थीटा इक्वल टू बेटा 4/5 दिया है, आपको बच्चों कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ बेटा फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का कौन सा लगेगा, 2 cos² θ - 1 लगा देते हैं। कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 cos² θ - 1, ये 2, कॉस थीटा की वैल्यू है बेटा 4/5, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, ये बेटा -1। ठीक, ये 2, 4 का स्क्वायर हो गया बेटा 16 और 5 का स्क्वायर 25, ये बेटा -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 32 और अपॉन में 25 और ये -1, इसके अपॉन में 1 लिख लो। अब सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। 25 एलसीएम निकाला,
वन का 32 में मल्टीप्लाई, 32 बीच में माइनस है, माइनस लगाओ, 25 का 1 में मल्टीप्लाई, 25 कॉस 2 थीटा घटाइए 7 आएगा और अपॉन में 25। इस तरह से बेटा कॉस 2 थीटा की वैल्यू आई 7 अपॉन 25। अब बेटा आपको इस क्वेश्चन में tan a दे रखा है 3 अपॉन 4। आपको बेटा साइन 2a और बच्चों cos 2a निकालना है। सबसे पहले हम बच्चों साइन 2a निकालें। इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला तरीका है आपको tan में क्वेश्चन दिया है, आप बेटा इसे साइन और cos में बदल लें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। फिर यहाँ फॉर्मूले लगेंगे, उसमें वैल्यू पुट होगी। ये एक तरीका है। दूसरा भी तरीका है कि आप बेटा यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला कौन सा लगा लो, वह फॉर्मूला लगा लो जिसमें टेन आता है। ठीक है, वही हम कर रहे हैं। साइन 2a की वैल्यू चाहिए, हम बेटा ये फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ बेटा थीटा लिखा है और यहाँ a लिखा है, तो अब हम जब इसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ थीटा की जगह क्या ले लेंगे, a ले लेंगे। ठीक है, ले लेते हैं 2 टेन a 1 प्लस टेन स्क्वायर a। अब हम इसमें वैल्यू डालते हैं, 2 टेन a है बेटा 3 अपॉन 4 और 1 प्लस टेन a 3 अपॉन 4 और उसका क्या करना है स्क्वायर। ठीक है, 2 के टेबल से ये कैंसिल हो, क्या बचा बेटा ऊपर बचा 3 ये अपॉन 2। क्या लिखा बेटा मैंने 3 अपॉन 2, इस तरह से लिख दिया। लिख सकते हैं नीचे क्या बचा, ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और बच्चों 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब हम बेटा यहाँ एलसीएम लेंगे, नीचे साइन 2a ये 3 अपॉन 2, एलसीएम बेटा 16 आएगा। सिंपल तरीके से सॉल्व कर देते हैं, 16 का 1 में मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 का 9 में मल्टीप्लाई 9, 2 के टेबल से ये कैंसिल हो गया, ये बेटा साइन 2a ये 3, इन दोनों को जोड़ोगे 25 और अपॉन में 8। ठीक है, अब आप जानते हो जब भी आपको दो अपॉन दे, कितने अपॉन 2 अपॉन, तो नीचे लिखा हुआ नंबर बेटा ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, क्या करेंगे हम, साइन 2a इक्वल टू ये जो 8 है इस 3 के मल्टीप्लाई में चला गया, तो 3 इंटू 8 24 अपॉन 25। इस तरह से बेटा साइन 2a की वैल्यू tan थीटा वाले फॉर्मूले की हेल्प से निकली। अब बेटा हमें cos 2a की वैल्यू निकालनी है, हम बच्चों ये फॉर्मूला लगाएंगे, लगा देते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह बेटा a लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह a लेना। अब बेटा इसमें हम वैल्यू डालते हैं, 1 माइनस tan a की जगह बच्चों 3 अपॉन 4 स्क्वायर है, स्क्वायर लगाया। ठीक है, अब ऊपर वैल्यू डल गई, अब नीचे डालेंगे 1 प्लस tan a की जगह 3 अपॉन 4 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। अब बेटा ये 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहां भी वही करेंगे, ये 1, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब बेटा ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, दोनों जगह बेटा 16 ही एलसीएम आ रहा है, निकाल देते हैं एलसीएम, cos 2a
16 एलसीएम लिया, सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, 16 का 1 में मल्टीप्लाई 16, बीच में माइनस आता है, 1 का 9 में मल्टीप्लाई 9। अब बच्चों यहां भी एलसीएम 16 लेंगे, एलसीएम 16 लिया, सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, 16 का 1 में मल्टीप्लाई 16, बीच में प्लस 1 का 9 में मल्टीप्लाई 9, ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, cos 2a इक्वल टू घटाइए 7, इनको जोड़िए 25, इस तरह से बेटा cos 2a का मान आया 7 अपॉन 25।